आज का रेसिपी है ब्रेड टिक्की और इसे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। हमारा चैनल रंजन्स किचन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ब्रेड टिक्की बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है नमक, घी, कोरिएंडर लीव्स, चिली पाउडर, चाट मसाला पाउडर, मसाला पीनट, सेव, क्रश्ड आलमंड, ब्रेड स्लाइसेस और ऑनियन। पहले ब्रेड लेके सभी एजेस को कट करना है। बाद में डिफरेंट शेप्स में ब्रेड स्लाइसेस को काट के एक प्लेट में रखना है। अब एक पैन लेके 2 टीस्पून घी डालना है और गरम करना है। गरम होने के बाद ब्रेड स्लाइसेस लेके ब्राउन कलर टर्न होने तक फ्राई करना है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। फ्राई किया हुआ ब्रेड स्लाइसेस को टिश्यू पेपर डाल के एक प्लेट में रखना है। अब एक बाउल लेके उसमें 2 मीडियम साइज का कटा हुआ ऑनियन डालना है, 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स, 1/2 कप क्रश किया हुआ आलमंड, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, ये सब कुछ डाल के मिक्स करना है। बाद में 1 टीस्पून खट्टा मीठा डाल के फिर से मिक्स करना है। अब फ्राई किया हुआ ब्रेड पीसेस एक प्लेट में लेना है और खट्टा मीठा लेके सभी के ऊपर स्मियर करना है। अब रेडी किया हुआ मिक्सचर लेके सभी ब्रेड पीसेस के ऊपर डालना है। और मसाला ग्राउंडनट लेके सभी के ऊपर डालना है। फाइनली सेव लेके सभी ब्रेड पीसेस के ऊपर डेकोरेट करें। ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई करें और आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।